गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आप देख सकते हैं निफ्टी डेली चार्ट है, और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था और कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि 17775 से 17800 पॉसिबल है, तो आज का हाई 17794 है, तो ये टारगेट अचीव हो गया है। अब आगे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है, बुलिश व्यू इंटैक्ट रहेगा जब तक हम कुछ रिवर्सल साइन नहीं देखते। तो आज का गैप एक सपोर्ट है वैसे, जो कि 17622 से 17674 तक है। तो जो आज का गैप का लोएस्ट पॉइंट है वो कि जो सिक्स कल का हाई था बेसिकली, वो एक सपोर्ट बन जाएगा। तो अभी हम इसको चेंज कर देते हैं, जो आने वाले 17620 होल्ड्स, बुलिश टिल 17620 होल्ड्स, एक्सपेक्टिंग राइज अप टू, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 18000 का है, जो कि एक साइकोलॉजिकल और ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो उस पर एक काफ़ी हाई ओपन इंटरेस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 18000 पे, ऑलमोस्ट 91 लाख शेयर्स कॉल्स रिटर्न है। तो 18000 क्रॉस होना मुश्किल लग रहा है कल तक, बट 18000 के आसपास 17950 से 18000 आ सकता है। और सपोर्ट हमारा जो कल का हाई है 620, जो गैप का सपोर्ट बोलते हैं इसको, तो अगर हम देखें तो ये छोटे टाइम फ्रेम में तो ये एक गैप सपोर्ट होता है। ये जो लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये गैप सपोर्ट है। तो इसका लोएस्ट पॉइंट गैप का 17615, 17620, तो वो एक हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग पोजीशंस हैं तो वो वहाँ ट्रेल कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में हमें 18000 कल या परसों तक, थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे तक हमें 18000 देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी भी यही व्यू रहेगा। ओपन इंटरेस्ट पे भी आप देख सकते हैं 18000, और काफ़ी पुट राइट हुई हैं आज। ये अगर आप देखें ये सब पुट ट्रेडिशन हुआ है, और कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। अगर आप ओवाई बिल्डअप में देखें तो आप ये देख सकते हैं सारा शॉर्ट कवरिंग है। ये लाइट ग्रीन सिग्निफाई करता है शॉर्ट कवरिंग को, तो ये सारा शॉर्ट कवरिंग है, और पुट्स में सारा शॉर्ट बिल्डअप है। ये रेड सिग्निफाई करता है शॉर्ट बिल्डअप को। तो बस यही निफ्टी पे यही व्यू रहेगा। और बैंक निफ्टी पे अगर आप देखें तो जैसे कि हमने कल भी मेंशन किया था, व्यू बुलिश है, एक्सपेक्टिंग 39500, 39700, तो आज का हाई 39386 है, और मोमेंटम अबाउट 38850, तो वो ओपन ही मेरे ख्याल से 38841 पे हुआ, और उसके बाद 500 पॉइंट का रैली इंट्राडे देखने को मिला। तो अभी ये रैली और एक्सटेंड हो सकता है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो यही है, जो कि ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, और 39740 के आसपास ये आ रहा है, तो वही हमारा ये सेम इंटैक्ट करेगा। स्टॉप लॉस आप आज का लो रख सकते हैं, जो कि 38750 है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। बाकी लेवल सेम रहेंगे। तो ये अभी कल तक का व्यू है, तो स्टॉप लॉस 38750 आ गया है, और टारगेट हमें जो देखने को मिलेंगे 39500, 39700। और बैंक निफ्टी में देखा जाए तो काफ़ी पुट राइट हुई 39000 पे। आप इसके ओआई बिल्डअप पे देखें तो ये पूरा पुट्स यहाँ पे राइट हुई हैं। इन स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा पुट राइट हुई हैं वो 39000 पुट पे हैं, तो 39000 अब काफ़ी अच्छा सपोर्ट रह जाएगा कल के लिए, और हमें आने वाले टाइम में, आने वाले एक दो दिन में 39700 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू रहेगा। आज का टॉप गेनर अगेन फिर पीएसयू बैंक था। आपने अगर आप रेगुलरली इस डेली व्यू को सुनते हैं यूट्यूब पे, तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे 2830 पे इसका ब्रेकआउट जोन बताया था, और 10 से 15% अपसाइड थी। तो अभी 10% जो टारगेट है वो अराउंड 3150 रहेगा, तो अभी भी काफ़ी अपसाइड थोड़ी सी बाकी है। 3150
80 तक का, क्योंकि ये राइजिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है तो यहाँ तक जा सकता है। एंड अभी भी लॉन्ग रहिए, स्टॉप लॉस अपना जो भी आपने स्टॉक्स लिए हैं उस पर ट्रेल कर सकते हैं। तो अब 3% से 5% और रैली देखने को मिल सकती है CNX PSU बैंक। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी कल का व्यू हम आपको कल बताएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग को डेली जिनको व्यू देखना होता है उनको देखने को मिले। अगर आपको हमारा व्यू अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।